हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। भारत में सिपाही कुबेर का खजाना। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हजारों करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। कहीं खंडहरों के अंदर खजाना होने की बात होती है तो कहीं झील के अंदर। आज हम आपको उन इलाकों से रूबरू कराएंगे जहां हजारों का खजाना छुपा हुआ है। नालंदा की गुफा। नालंदा में मौजूद सोन भंडार गुफा को सोने को सहेजने के लिए बनाया गया था। यहां चट्टान को काटकर दो कमरे बनाए गए थे और गुफा के पहले कमरे में सिपाहियों को रुकने की व्यवस्था थी। दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। इस कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे थे। अलवर का खजाना। अलवर जिले के बाला किला के नाम से मशहूर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में बड़ी मात्रा में खजाना छुपा हुआ है जिसको ढूंढना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। खजाना को देखते हुए इस किले पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहती है और किले के अंदर शस्त्र गार और तहखाने को सील कर दिया गया है और किले को इस हिस्से में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। हैदराबाद का खजाना। हैदराबाद में जेकब नाम का हीरा विश्व का सातवां सबसे बड़ा अनकट हीरा है और यह करीब 185 कैरेट का है यानी दुनिया के सबसे कीमती माने जाने वाले कोहिनूर हीरों से भी आकार और प्रकार में दुगुना। इस हीरे को हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान के पास यहूदी व्यापारी जैकब ले गया था। निजाम को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे तत्काल बिना किसी मूल भाव के खरीद लिया और इसे उसी का नाम देकर अपने पास रख लिया। निजाम को सानो शौकत के प्रति कई हीरो और 173 तरह के आभूषणों को साल 1995 में एक समझौते के बाद केंद्र सरकार ने महज 218 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। हालांकि इन सभी आभूषणों की कीमत उस वक्त करीब 200 करोड़ रुपए के आस पास थी। पाटन का खजाना। गुजरात के पाटन की भीमोसन अपने आप में 400 साल का इतिहास समेटे हुए हैं। भीमोसन के 1.5 किलोमीटर दूर भगवान शिव का मंदिर है। उसी के पास बनी एक समाधि है। पाटन का सुवन परिवार ने यह दावा करते हैं कि उनकी 3-3 पीढ़ियां इसी समाधि के नीचे खजाने दबाए हुए हैं। परिवार दावा करते हैं कि उनके पूर्वज इंडोनेशिया और मिस्र से इस खजाने को लाए थे।